आज हम लिख रहे हैं उत्तराखंड की खबरें। धान का समर्थन मूल्य घोषित, इतना रखा खरीद लक्ष्य। आरएफसी विभाग ने धान खरीदने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, साथ ही विभाग ने धान का समर्थन मूल्य भी घोषित कर दिया है। देहरादून में युवती से गैंगरेप, आरोपी गिरफ्तार। देहरादून में एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी संपत्ति निजी हाथों में सौंप रही सरकार, करण माहरा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि भाजपा सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में सौंप रही है, कांग्रेस को सजग रहना पड़ेगा। एफआरआई में गुलदार का खौफ, पर्यटकों के लिए गेट बंद। देहरादून एफआरआई को गुलदार के खौफ के चलते पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। राजधानी देहरादून में स्थित भारतीय वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई के दरवाजे इन दिनों पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। वन अनुसंधान संस्थान ने ये फैसला पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए लिया है। दरअसल पिछले कई दिनों से एफआरआई परिसर में गुलदार की चहलकदमी दिखाई दे रही है। ऐसे में सुरक्षात्मक रूप से गंभीरता बनाते हुए संस्थान के प्रबंधन में 5 दिन के लिए संस्थानों में पर्यटकों को एंट्री न देने का फैसला लिया है। हिमालय में बसता है संजीवनी का संसार, खास है इनके गुण, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। उत्तराखंड में कई तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। ऐसे में इन जड़ी बूटियों को पहचानने के लिए सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स की स्थापना की गई है। यहां के डेमोंस्ट्रेशन ब्लॉक में 40 से 50 ऐसी विशेष क्रॉप लगाई गई हैं, जिनको लेकर भविष्य में अपार संभावनाएं देखी जा रही हैं। उत्तराखंड पुलिस में प्रमोशन, ये दो अफसर बने आईपीएस। उत्तराखंड पुलिस सर्विस यानी यूपीएस कैडर के दो अधिकारियों को इंडियन पुलिस सर्विस कैडर की सूची में शामिल किया गया है। उत्तराखंड पुलिस के दो अधिकारियों को प्रमोशन का गिफ्ट मिला है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने उत्तराखंड पुलिस सर्विस की अधिकारी सरिता डोभाल और हरीश वर्मा को आईपीएस के रूप में प्रमोट करने से जुड़ा आदेश जारी किया है। उत्तराखंड डीजीपी पर सस्पेंस, यूपीएससी पैनल से बाहर हुए अभिनव कुमार, अब इन नामों पर चर्चा तेज। डीजीपी पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। यूपीएससी पैनल से मौजूदा कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार बाहर हो गए हैं। हायर एजुकेशन का हब बनेगा देहरादून। 900 बीघा जमीन पर तैयार होगी एजुकेशन सिटी, नामी इंस्टीट्यूट ने दिखाई दिलचस्पी। स्कूलिंग के लिए पहले से फेमस देहरादून को अब हायर एजुकेशन का हब बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए शासन स्तर पर काम भी शुरू हो गया है। जल्द ही एजुकेशन सिटी का रोड मैप तैयार किया जाएगा। देहरादून जिला मुख्यालय के पास ही 900 बीघा जमीन पर एजुकेशन सिटी डेवलप करने की तैयारी की जा रही है। रुद्रपुर में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर। रुद्रपुर में कबाड़ के गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगने से मौके पर हड़कंप मच गया। जिला मुख्यालय रुद्रपुर के भूरा रानी में अज्ञात कारणों के चलते एक गोदाम में आग लग गई। आग पर काबू पाने में अग्निशमन विभाग को 4 घंटे लग गए। आग से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग से गोदाम संचालक को करोड़ों का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। आग पर पूर्ण रूप से काबू पाने के बाद ही नुकसान और आग लगने के कारणों का पता चल पाएगा। केदारनाथ हेली सेवा सर्विस के नाम पर श्रद्धालुओं को ठगने वाला अरेस्ट, हेलीकॉप्टर कंपनी की बनाई थी फर्जी वेबसाइट। केदारनाथ हेली सर्विस के नाम पर श्रद्धालुओं से ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने हेलीकॉप्टर कंपनी की फर्जी वेबसाइट बनाई थी, उसी के जरिए आरोपी लोगों का अपना शिकार बनाता था। जिसने पिलाया पानी उसी दादी को लूट लिया, मारा चाकू, गुलाबंद पर किया हाथ साफ। चंपावत के देवीधुरा में खेत में काम कर रही बुजुर्ग महिला पर लुटेरे ने चाकू से हमला कर गोलोबंद लूट लिया है। घटना से पहले लुटेरे ने पीड़िता के पोते से पानी मांगा था। बहरहाल पीड़ित बुजुर्ग महिला का अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्शन में हरिद्वार डीएम कमेंद्र सिंह, लक्सर पहुंचकर किया औचक निरीक्षण, मचा हड़कंप। हरिद्वार जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह आज लक्सर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई विभागीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए।
नेशनल हाईवे 9 पर स्वाला का डेंजर जोन बना नासूर, वैकल्पिक मार्ग तलाशने का काम तेज, डीएम ने किया निरीक्षण। चंपावत जिले में नेशनल हाईवे 9 पर स्वाला में पहाड़ियों से लगातार हो रहा भूस्खलन और पानी का रिसाव नासूर बन चुका है। यही कारण है कि अब प्रशासन वैकल्पिक मार्ग को तलाशने में जुटा है ताकि इस समस्या को परमानेंट खत्म किया जा सके। पहाड़ का दर्द, मरीज को डंडी कंडी पर लादकर अस्पताल की तरफ निकले, सड़क तक पहुंचने से पहले तोड़ा दम। देहरादून में पहली बार एशिया एग्री हॉर्टी और ऑर्गेनिक एग्जीबिशन कल होगा शुभारंभ, लगाए जाएंगे 150 स्टॉल। देहरादून स्थित बन्नू ग्राउंड में 4 अक्टूबर से 3 दिवसीय एशिया एग्री हॉर्टी और ऑर्गेनिक प्रदर्शनी आयोजित होने जा रही है। इस प्रदर्शनी में 150 स्टॉल लगाए जाएंगे। सिद्धपीठ कालीमठ मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, दर्शनों के लिए लगी भीड़, जाने मंदिर के चमत्कारी रहस्य। आज से पूरे देश में शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां भगवती के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इसी क्रम में सिद्धपीठ कालीमठ और कालीशिला में भक्तों का तांता नजर आया। यहां पर मां काली ने रक्त बीज नामक दैत्य का वध किया था। अगले 2 साल में शुरू हो जाएगा उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज, संख्या के साथ सुविधा बढ़ाने पर जोर। अगले 2 साल में राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, अगले 2 सालों में उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रदेश में कुल 7 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे।